ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने रसायन शास्त्र और उनके वर्गीकरण के बारे में अध्ययन किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे जरूर देखें। आपको अच्छा लगे तो उसे लाइक करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे अध्ययन संबंधी सारी सामग्री आप लोग को उपलब्ध होती रहे। चलिए, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह है फिजिकल केमिस्ट्री का पहला पार्ट, जिसका नाम था सॉलिड स्टेट, जो बारे में हम लोग को पढ़ना है, ठोस अवस्था, इसके बारे में आज हम लोग को अध्ययन करना है। ठीक है, ठोस अवस्था के बारे में जानने से पहले हम पहले पदार्थ और उनकी अवस्थाओं के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। तो पदार्थ क्या है? तो पदार्थ हमारे सामने आसपास पाए जाने वाली वे सभी वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं और जिनमें द्रव्यमान होता है उन्हें पदार्थ कहते हैं। मतलब पदार्थ क्या है? तो वे सभी वस्तुएं जो स्थान घेरती है और जिनमें द्रव्यमान होता है वे पदार्थ कहलाती हैं। जैसे अगर सामने अगर आप देखें, यह मेरे साथ आपके सामने एक मार्कर है जो कि एक निश्चित स्थान घेर रहा है, निश्चित छोड़िए मतलब एक स्थान घेर रहा है और इसमें कुछ ना कुछ द्रव्यमान है, तो ये हमारा एक वस्तु हो जाएगा। इसी प्रकार से हम स्वयं भी एक वस्तु है, क्योंकि हम में भी क्या है, हम भी एक स्थान घेर रहे हैं और हम में भी एक निश्चित एक द्रव्यमान है। तो स्थान घेरे और जिनमें द्रव्यमान हो, स्थान घेरे और जिनमें द्रव्यमान हो वे सभी पदार्थ कहलाते हैं। जैसे आपका पेन हो गया, कुर्सी हो गया, कार हो गया, मोबाइल हो गया, ये सारी चीजें वस्तुएं के रूप में हम हो जाएगा, क्योंकि ये सभी है जो स्थान घेर रही है और जिनमें द्रव्यमान है। अब बात आती है कि पदार्थ की कितनी अवस्था है, जो सेकेंड टॉपिक है पदार्थ की अवस्था है। तो पदार्थ की मुख्यतः तीन अवस्था होती है, जिसे हम लोग 10 तक पढ़ते आ रहे हैं कि पहली अवस्था ठोस अवस्था जिसे सॉलिड कहते हैं, दूसरी अवस्था द्रव जिसे हम लोग लिक्विड कहते हैं, तीसरी अवस्था गैस अवस्था होती है। परंतु अब जो अगर आगे अगर हमको अगर थोड़ा सा और लेवल हाई करना होगा तो हम वहां पदार्थ की पांच अवस्था पढ़ते हैं, परंतु 12वीं लेवल पे भी तीन ही अवस्था पढ़नी है। तो हम पहले तीन अवस्था के बारे में पढ़ेंगे, चौथा और पांचवा का स्पेशल तौर पे कुछ नाम जानेंगे और उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो पहली अवस्था है ठोस अवस्था। ठोस अवस्था वे अवस्था होती है जिनका आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है। द्रव अवस्था जिनका आयतन अनिश्चित परंतु आकार निश्चित होता है, नहीं सॉरी आयतन निश्चित और आकार अनिश्चित होता है। और गैस अवस्था जिनका आयतन और आकार कोई भी निश्चित नहीं होता है, इसके डेफिनेशन हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, प्लाज्मा अवस्था, प्लाज्मा की अवस्था होती है, प्लाज्मा एक गैस टाइप की ही एक अवस्था होती है, परंतु उनमें धनायन और ऋणायन कणों का जो होता है, दोनों आयन जो होते हैं वो बराबर मात्रा में होते हैं, जिसके कारण उनका गुण गैस से अलग हो जाता है, गैस से क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। तो ये चौथी अवस्था होती है। पांचवी अवस्था है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन। ये अवस्था कौन सी है? तो हम जानते हैं कि हमारे ब्रह्मांड में जितने भी कण हैं उनको दो भागों में बांटा जाता है, एक फर्मियन फर्मियंस और एक दूसरा होता है हमारा बोसोन। तो कई सारे फर्मियंस मिलकर के बोसोन का निर्माण करते हैं, और जब बोसोन को 0 डिग्री के केल्विन पर, मतलब 0 केल्विन पर, याद रखिएगा 0 केल्विन या माइनस का 273 डिग्री सेल्सियस पे रखा जाता है, मतलब कि परम ताप कहा जाता है, सबसे निचला ताप, इतना पे जब इसको रखा जाता है बोसोन को, तो एक पदार्थ की पांचवी अवस्था प्राप्त होती है जिसे बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन कहते हैं। और इस अवस्था की खोज के बारे में सर्वप्रथम बोस ने बताया था, जो हमारे भारत के थे, इसीलिए उनके नाम पर बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन रखा गया है। ठीक है, इन पांच में से हम लोग को मुख्यतः सेकेंड ईयर में इंटर में मुख्यतः तीन पढ़ने हैं, ठोस, द्रव और गैस पढ़ने हैं, तो हम इन्हीं तीनों के बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए अब इन सब की परिभाषा हम देखते हैं। तो पहला है हमारा ठोस अवस्था, पदार्थ की वह अवस्था जिसका आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है उसे ठोस अवस्था कहते हैं। यहाँ पर हमारे पास दो चीज है, आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है, इसे ठोस अवस्था कहते हैं। अब आप बोलेंगे इसका आयतन और आकार दोनों निश्चित क्यों होता है? तो देखिए, यहाँ पर मैंने ठोस अवस्था का एक चित्र बनाया है।
इस चित्र में आप देखेंगे ये जो गोला गोला आपको दिखाई दे रहा है यह इसके अवयवी कण है। कौन सा कण है? ये अवयवी कण है। तो यहां हम देख रहे हैं ठोस अवस्था में जो अवयवी कण होते हैं बिल्कुल एक दूसरे से सटे सटे होते हैं, मतलब एक दूसरे के बिल्कुल करीब होते हैं, जिसके कारण ये स्वतंत्र नहीं हो पाते हैं और इसलिए उनका आकार और आयतन दोनों क्या होता है? निश्चित होता है। ठीक है, जैसे में हो जाएगा कांच, लकड़ी, बर्फ, लोहा, ये सभी हमारे क्या हो जाते हैं? ठोस अवस्था कहलाते हैं। अगला है द्रव अवस्था। तो पदार्थ की वह अवस्था जिसका आयतन निश्चित, याद रखिएगा आयतन क्या होता है? निश्चित, और आकार अनिश्चित होता है, उसे द्रव अवस्था कहते हैं। अब आप यहां बोलेंगे आयतन निश्चित और आकार अनिश्चित क्यों? क्योंकि द्रव अवस्था में जो कण होते हैं वह ठोस अवस्था की अपेक्षा एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित होते हैं, अर्थात इन दोनों कणों के बीच की दूरी जो होती है थोड़ी सी अधिक होती है, जिस कारण इनका आयतन तो निश्चित होता है परंतु इनका आकार अनिश्चित हो जाता है। जैसे अगर आप एग्जाम्पल के तौर पे अगर लेना चाहें तो आप एक गिलास पानी ले लें, उस गिलास पानी को आप किसी कटोरे में रखें, जब किसी कटोरे में उसको रखेंगे तो वह कटोरे का आकार का हो जाएगा, अगर उसको गिलास में रखते हैं वह गिलास के आकार का हो जाएगा, यदि आप उसे किसी पाइप के अंदर रखते हैं तो वो पाइप के आकार का हो जाएगा। मतलब कि द्रव को हम जिस आकार में रखेंगे, जिस आकार के बर्तन में रखेंगे, उस आकार का उसका बर्तन हो, मतलब उस द्रव का आकार उसी आकार के बर्तन के जैसा हो जाएगा। ठीक है, मतलब इसका आकार क्या हो गया? अनिश्चित हो गया। परंतु आयतन जो होता है, अगर हमने एक लीटर पानी लिया है तो वह एक लीटर पानी गिलास में भी एक लीटर ही रहेगा, कटोरा में भी एक लीटर रहेगा और पाइप में भी एक लीटर ही रहेगा, अर्थात गैस को द्रव का आयतन निश्चित और आकार अनिश्चित होता है। तीसरा नंबर हमारा जो है इसका उदाहरण देख लीजिएगा, पानी, दूध, तेल आदि। गैस अवस्था, गैस स्टेट क्या है देखते हैं? पदार्थ की वह अवस्था जिसका आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होता है, मतलब आयतन भी अनिश्चित और आकार भी अनिश्चित होता है, उसे गैस अवस्था कहते हैं, जैसे ऑक्सीजन, भाप, नाइट्रोजन आदि। अब आप बोलेंगे कि इसका आयतन और आकार दोनों अनिश्चित क्यों होता है? तो क्यों होता है इसका आयतन आकार अनिश्चित? क्योंकि इनके कण जो होते हैं वे एक दूसरे से बहुत दूरी पर होते हैं, मतलब द्रव की अपेक्षा कुछ ज्यादा दूरी पर स्थित होते हैं, जिसके कारण इनका आयतन और आकार दोनों अनिश्चित हो जाता है। आप उदाहरण के तौर पे एक ले सकते हैं, आपके घर में एक गैस जिससे खाना बनता है उसका नाम है LPG, वो एक सिलेंडर में 14 लीटर भरा होता है। अगर उसकी थोड़ी सी मात्रा, बिल्कुल थोड़ी सी मात्रा कहीं से लीक कर जाती है तो पूरा कमरा में वो पूरा फैल जाता है, अर्थात उसका जो आयतन था बिल्कुल थोड़ा सा वहां से निकला और पूरे कमरे में फैल गया, अर्थात आयतन उसका क्या हो गया? पूरे कमरे के आयतन के बराबर हो गया, मतलब उसका आयतन क्या हुआ? निश्चित नहीं हुआ। जिस बर्तन में डालेंगे उस बर्तन में तो रहेगा ही, और उस बर्तन में अगर आकार छोटा है तो छोटे आकार में रहेगा, और अगर आकार बड़ा है तो पूरे आकार में क्या हो जाएगा? फैल जाएगा। इसका एकमात्र कारण यह है कि इनके कण जो होते हैं एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूरी पर होते हैं। क्लियर है? ये तीनों जो है, ये तीनों भौतिक, वो क्या कहते हैं, ठोस, द्रव और गैस, इन तीनों का मवाज यही अंतर है कि इन तीनों में अवयवी कण जो होते हैं कि इनकी व्यवस्था कुछ अलग टाइप से होती है। इनका एकदम पास पास होते हैं जिससे इनका दोनों निश्चित हो जाता है, ये थोड़ा दूरी पर होते हैं जिससे आयतन निश्चित, आकार अनिश्चित हो जाता है, और गैस जो होते हैं थोड़ा ज्यादा दूरी पर होते हैं जिसके कारण इनका आयतन आकार दोनों अनिश्चित हो जाता है। अब आप इसमें से देखेंगे तो ठोस, द्रव और गैस में, जो द्रव और गैस है इसके बारे में हम लोग को फर्स्ट ईयर में पढ़ना है और सेकेंड ईयर में केवल हम लोग को ठोस अवस्था के बारे में पढ़ना है। तो जो हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो हमारा रहेगा ठोस अवस्था से, जो कि हमारा पहला पार्ट का नाम है ठोस अवस्था। तो हम वहीं से शुरू करेंगे कि ठोस अवस्था क्या है और ठोस अवस्था के कौन कौन से गुण हैं। तो केवल हम लोग को ठोस अवस्था लेके चलना है, ठीक है? तो नेक्स्ट वीडियो में हम ठोस अवस्था पढ़ेंगे।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।